आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिस तरह से मीडिया ने वाटिका होटल का जो भांडा पड़ा था, जो मटकी, जो भरी हुई मटकी थी, जो फूटी थी, इस तरह से भिवंडी में कई एक जगहों पर ये पाप का घड़ा जो भरा गया था, हम आपको अपनी अगली वीडियो में इंतज़ार कीजिए। अंजुन फाटे का भी एक पाप का घड़ा जो है वो आपके सामने फोड़ने वाले हैं और इसके ताल्लुक से भी हम आपको बताने वाले हैं कि वहाँ पर आधी चड्डी में जो है लोगों से कुरान उठाकर कसम खिलाई गई थी और ये कसम किसने खाया, क्यों खाया, कैसे खाया, इसका पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो जानते हैं अच्छी तरह कि पिछले दिनों हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको बताया था कि बालिया मामा के जो कार्यकर्ता है उन पर किस तरह से हमला हुआ था और उन्हें जो है IGM हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उसके बाद में उन्हें कल बार रिफर कर दिया गया, उसके बाद में उन्हें एक निजी अस्पताल में भी एडमिट किया है। आज उसी को देखने के लिए बालिया मामा वहाँ पहुँचे थे, साथ ही साथ उन्होंने DCP साहब से भी मुलाकात की और उन आरोपियों को पकड़ने की बात की जिन्होंने बालिया मामा के कार्यकर्ता जो थे उन पर हमला किया था। और इसके साथ साथ उन्होंने एक पिछला जो मामला था मनोज महात्रे का, महात्रे साहब का, उसको भी उछाला है कि उनकी जो मौत हुई थी वो किस तरह से हुई थी, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो मनोज साहब थे जिनकी हत्या हुई थी, उनकी हत्या में जिन लोगों ने काम किया था उन आरोपी से, उन गुनहगारों के साथ में जो है सुमित पाटिल जो कपिल पाटिल साहब के भतीजे हैं उनका कई बार फ़ोन से ताल्लुक़ था। तो उन्होंने ये भी कहा है कि बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ ये लफ्ज़ कहा है उन्होंने कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि सुमित पाटिल का जो कॉन्टेक्ट था उनके गुनहगारों से था और वो क्यों था इसकी पूरी चौकसी होना चाहिए और इसकी चौकसी जो है वो बालिया मामा खुद करवाएंगे। तो आइए उनकी बाइट भी हम सुनते हैं, हालांकि इनकी बाइट मराठी में है लेकिन आपको हम समझाते हैं कि उन्होंने जो अपने कार्यकर्ता थे उनके ताल्लुक से कहा है कि उन्होंने इस मामले में क्या कुछ कहा। मैं अपने सहयोगी के साथ भिवंडी समय न्यूज से सुल्तान कुरैशी। भिवंडी शहरात जो 4 दिवसापूर्वी श्रीनिवास नडीगुट्टू म्हणजेच स्वामी अण्णा यांच्यावर जो भ्याड हल्ला झाला त्या हल्ल्याच्या चौकशीविषयी सन्माननीय आदरणीय DCP साहेबांना मी भेटलो आणि त्या प्रकरणावर DCP साहेबांनी योग्य ती कारवाई चालू केलेली आहे आणि जे जे गुन्हेगार असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल अशा प्रकारचं आश्वासन सन्माननीय DCP साहेबांनी दिलेलं आहे आणि म्हणूनच मी त्यांना देखील धन्यवाद देतो आणि माझा पूर्ण विश्वास आहे की पूर्ण प्रकरण पोलीस चांगल्या प्रकारे हाताळतील आणि आरोपींना नक्की शिक्षा होईल अशा प्रकारचा विश्वास मी व्यक्त करतो।